देख सकते हैं किस तरह से एक पत्नी जो है अपने पति का जूता लेकर उनको चूमती हुई आपको नजर आ जाएगी। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, रह रहकर हर बात याद आएगी। आप हौसला रखो, आप अपने बच्चे को भी तो देखना है ना आपने। तो कल किस तरह से एक बड़ा हादसा सामने आता है सालवान गांव के पास, जी हाँ, असंध पानीपत रोड पर। उसके बाद चार जनों की उस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। एक जीजा साला रहते हैं, यानी कि परिवार पर किस तरह से ये हादसा कहर बनकर बरपा है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें कल्पना चावला मोर्चरी हाउस से आपको दिखा रहे हैं, जी हाँ, जहाँ पर दर्दनाक तस्वीरें हैं कि पूरा का पूरा परिवार एक तरह से कह सकते हैं। बताया जा रहा है जो ये पिताजी हैं, इनके दो बेटे हैं, एक बेटी थी जिसमें से एक बेटी का हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो गई, और एक बहू का पति था जिसकी डेथ हो गई। वहीं दो और जनों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद से ही लगातार ये मामला सामने आ रहा है कि एक गाड़ी जब एक ट्रक की आपस में भिड़ंत होती है, जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि एक बाइक को बचाने के लिए जो है ये भिड़ंत हुई है। उसके बाद आप हालत देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी पत्नी है किसी इतनी बुरी तरह से रोती हुई नज़र आ रही है, और अपने जो हस्बैंड का शूज़ जो है हाथों में लेकर आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगे। फ़िलहाल ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अब जो है दो व्यक्तियों का शव जो है यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मोर्चरी हाउस में रखा कर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं दो व्यक्तियों का जो पोस्टमार्टम है वो असंध के ही हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। ये वो पिता हैं, ये वो बेटा है, जी हाँ, एक जो है बेटा है इनका, जो किस तरह से अपने भाई के लिए, एक पिता अपने बेटे के लिए ज़रूर रोता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे अपील करूँगी कि वीडियो को लगातार शेयर ज़रूर करते रहें। ये तस्वीरें हैं वहाँ मोर्चरी हाउस के अंदर ही जो है किस तरह से परिवार बैठा हुआ है, जी हाँ, परिवार बैठा हुआ है, और बुरी तरह से आप देख सकते हैं हर कोई इस हादसे में हताहत हो गया है। कितनी बुरी तरह से, ये वो पिता हैं जो लगातार कल से आपको रोते हुए ज़रूर नज़र आ जाएंगे। पूरे परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूटा है, जी हाँ, पूरे परिवार पर के बाद से ये तस्वीरें हैं। कल एक बार फिर से बता दूं, ये मामला सालवान गांव के पास असंध पानीपत रोड पर एक गाड़ी और एक ट्रक की जोरदार भिड़ंत रहती है, उसके जिसके बाद वो उस गाड़ी के पर कच्चे उड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जब गाड़ी में जो लोग हैं वो इतनी बुरी तरह से फंसे होते हैं कि जेसीबी की मदद लेनी पड़ती है उनको निकालने के लिए, और उसके साथ ही साथ ऊपर की तरफ से बताया जा रहा है जेसीबी से, जी हाँ, जेसीबी से उसकी छत उखाड़कर जो है लोगों को बाहर निकाला जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं हर किसी के मन को विचलित जरूर कर सकती हैं, क्योंकि जितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं, परिवार बुरी तरह से रोता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, पर ये परिवार है पानीपत का रहने वाला परिवार बताया जा रहा है। वहीं एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला जो है बताया जा रहा था, देख सकते हैं हर कोई जो है इतना ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है कि आप परिवार के दुखों का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि एक ही जो है परिवार से चार लोगों की मौत हो जाना, जी हाँ, चार लोगों की, ये देख सकते हैं बुरी तरह से हर कोई रोता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरें कल से ही ये एक्सीडेंट जो है आपको ये हादसा जो है ज़रूर दिखाया कि किस तरह से एक परिवार जो एक्सीडेंट होता है उसमें अपना एक बेटे को खो देता है, एक अपने एक पिता अपने दामाद को खो देता है। तो उसके बाद से ये तस्वीरें हैं एक पत्नी जो है किस तरह से अपनी पति का शूज़ यानी जूते हाथ में लेकर बैठी हुई है। वहीं मैं बता दूं कि जो एक उनका लड़का है उसकी माँ बताया जा रहा है, एक छोटी सी बच्ची है, जी हाँ, छोटी सी बच्ची, और साथ ही साथ जो है 1.5 महीने पहले ही एक लड़के की शादी हुई थी, यानी कि 1.5 माह पहले। तो आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, जब परिवार से हर कोई जो है रोता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। वो पिता उस पिता पर क्या कुछ जो है बीत रहा होगा, इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये दर्दनाक तस्वीरें जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से आपको दिखा रहे हैं, शव ग्रह से, जी हाँ,
वो पत्नी जो है बुरी तरह से, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके आंखों के आंसू भी आपको सूखे हुए ज़रूर नज़र आ जाएंगे। ये हादसा कल सामने आता है, कल सुबह जो है बताया जा रहा है 10:30 के आसपास ये भयानक हादसा होता है जिसमें 4 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें कि परिवार जो है बुरी तरह से इस हादसे में टूट जरूर चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, साथ ही साथ अपना दामाद खोया है, और भी 2 लोग जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल जो है 2 व्यक्तियों का जिन्हें रेफ़र किया गया था उनको, उनका जो पोस्टमार्टम है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मॉर्चरी हाउस में चल रहा है। वहीं 2 जो व्यक्ति हैं उनका पोस्टमार्टम हसंद के ही अस्पताल में करवाया गया। तो ये तस्वीरें हैं, ये हादसा जो है कितना भयानक रहा। इसीलिए जब भी आप कोई व्हीकल चला रहे हैं किसी भी तरह से है, तो आपकी जान जो है आपके हाथ में है, बहुत ही सावधानी से जो है आप चलाएं, बहुत ही सावधानी से रहे। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा जिससे लगभग पूरा करनाल जो है दहल जरूर चुका था, क्योंकि 4 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। सालवान गांव के पास, जी हाँ, सालवान बल्ला रोड पर बताया जा रहा है ये दर्दनाक हादसा जो है सामने आता है। फिलहाल तस्वीरें कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहाँ पर हर कोई महिलाओं का जो है बुरी तरह रो रो कर बुरा हाल जरूर है। साथ ही साथ ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से 4 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद से लगातार ये मामला इस तरह से सामने आता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, जी हाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्दनाक हादसा जिसमें जीजा साला समेत 4 लोग मौत का शिकार हो गए। जी हाँ, 4 लोग मौत का शिकार हो गए। ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक रहीं कि लगभग हर कोई जो है हर किसी के आंखों में आंसू ज़रूर आया। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बाहर देख सकते हैं, यहाँ से जो है शव को लेकर ज़रूर जाया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें दर्दनाक तस्वीरें हैं उस हादसे की, जहाँ पर ये बड़ा हादसा सामने आता है। जी हाँ, फिलहाल देख सकते हैं बुरी तरह से परिवार जो है रोता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो पिता हैं, इस पिता पर भी जो है क्या कुछ जो है बीत रही होगी, उस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर ज़रूर करते रहें। ये तस्वीरें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ लगभग हर कोई रोता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। महिलाएँ हों, पुरुष हों, बीवी हों, बच्चे हों, जी हाँ, हर किसी की आँखों में आंसू जरूर है। आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। पहुंच ही नहीं पाए थे? नहीं, वहाँ नहीं। कोई रिकॉर्डिंग्स, कोई वीडियो, कोई ट्रक ड्राइवर का नंबर कुछ पता चला हो? ट्रक जो है उनके कब्जे में ही है, बाकी ड्राइवर तो मौके पे ही भाग गया था। आपके क्या कुछ लगते हैं? भाई है मेरा, गौतम भी भाई है, चांद भी भाई। जो एक भाई है उनकी 1.5 महीना पहले ही शादी हुई थी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले थे? पानीपत, अमृतसर। पानीपत और अमृतसर के जो अमृतसर वाले थे वो आपके यहाँ पानीपत आए हुए थे मिलने के लिए? हाँ जी। बहुत ही दुखद समय। की उम्र है 27 साल की है। और बेटे की शादी को कितना समय हो गया? बेटे को हुआ 3 साल। बेटे के 3 साल हो गए हैं। आपके 2 बेटे, एक बेटी है? हाँ जी, हाँ जी, 2 बेटे। जमाई क्या करते थे अंकल आप? जमाई काम तो अच्छा, टैक्सियाँ थी 3-4। छोटी उम्र होगी जमाई की भी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं अंकल? ये आपने कंप्लेन लिखवाई है? अभी कंप्लेन कुछ नहीं लिखवाई, जब घर बर्बाद हो गया क्या कंप्लेन लिखवाएंगे, क्या वापस तो आएंगे नहीं, हम परिवार चला क्या। ट्रक ड्राइवर था, कौन था? ट्रक ड्राइवर भाग गया। भाग गया था, मतलब मोटरसाइकिल वाले को बचाते 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 गाड़ी और ट्रक की टक्कर हो जाती है। अब खबरों में बता रहे हैं तो मोटरसाइकिल वाले की भी एक डेथ हो गई है। अच्छा, मोटरसाइकिल वाले की भी खबर आई है, पता लगा मेरे को। उसकी मिसिज भी साथ बैठी हुई थी, उसकी एक टांग टूट गई है, वो भी घर जाएगा, उसकी भी डेथ हो गई। मतलब कल के सड़क हादसे में 5 लोग, 5 बंदे मरे हैं जी। आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रक ड्राइवर फरार है। हाँ, चलो भाग गया था। कोई कैमरे से कोई फुटेज रिकॉर्ड हुई हो? कैमरे में तो मैंने फोटो खींची थी जाकर जी, मेरे पास फोटो काफी उनकी है। जैसे मौके पे जैसे पानी पुनी डाल देते मुंह में तो शायद बच जाते हो, पानी कर रहे जैसे। अस्पताल कितनी, अस्पताल तो उसी समय ले आए थे हम लोगों ने देखा उन्हें, हालत बेहद गंभीर थी उस समय। हम बाद में पहुंचे तब तो डेथ हो चुकी। जब आपको किसका फोन आया था जी? मेरे को पुलिस वालों का फोन आया था, सुबह 9:45 बजे फोन आया था, 6 बजे घर से निकले थे वो लोग। ये कितने बजे? 6 बजे सालवन गए थे? हाँ जी, सालवन। सालवन किसी काम से? हाँ जी जी, उनकी बुआ रहती है, मेरे दामाद की बुआ रहती है, ठीक है। तो बच्चों को बोला कि चलो मैं तुमको ना बुआ से मिलवा के लाता हूँ जी। बच्चे चले गए, जीजा आया, खुश बड़े खुशी मना रहे थे घर में सारे, बिल्कुल बड़े खुश हफ्ते चले गए। पहली बार आया था शादी के बाद? पहली बार।